नमस्कार, घमासान.com पर आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी राठौर। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बेहद चौंकाने वाली खबर, जिसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान। श्यामला हिल्स स्थित बंगला खतरनाक और जानलेवा है। जी हाँ, यह हम नहीं PWD कह रहा है। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं है तो देखिए ये वीडियो। यह खबर निश्चित रूप से चौंकाने वाली है। मुख्यमंत्री निवास यानी श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री का बंगला न केवल खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, बल्कि उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग IK मेहता द्वारा यह कहा गया कि मैंने 6 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास का निरीक्षण किया था। तब देखने में आया था कि CM हाउस के बैठक कक्ष की छत बुरी स्थिति में है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे असुरक्षित घोषित किया गया है। इधर स्ट्रक्चर इंजीनियर नई दिल्ली अनिल सिंह ने कहा कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफी पुराना है। पहली मंजिल पर फ्लोर लकड़ी के PWD ने जो रिपोर्ट दी है वह सही है। अभी हम CM हाउस की डिटेल रिपोर्ट तैयार करके देखेंगे। जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री निवास फिलहाल रहने की स्थिति में नहीं है, यानी वहां पर कोई निवास करेगा तो खतरे में आ जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव मोहंती द्वारा दिल्ली की डिजाइन कंपनी के इंजीनियर अनिल सिंह तथा आर्किटेक्ट नवील जिंदल से भी निरीक्षण कराया गया। उन्होंने भी इसी बात से सहमति जताई कि मुख्यमंत्री निवास खतरे में पहुंच गया है और इसमें कमलनाथ 3 महीने तक शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 दिसंबर को CM निवास खाली कर गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए इस बंगले को तैयार कराया जाना था। माना जा रहा था कि कमलनाथ विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब PWD द्वारा इसे असुरक्षित घोषित करने के बाद इस बंगले को नए सिरे से सुधारा जाएगा। PWD की रिपोर्ट में कहा गया है कि CM निवास स्थल B6 तथा मुख्यमंत्री NXB 9 वर्ष 1906 में बने थे। उल्लेखनीय है कि बंगले के अंदर बने स्टाफ क्वार्टर को जर्जर होने पर तोड़ दिया गया है। वहीं CM निवास में दोनों मंजिलों की छत कमजोर है, इसमें लकड़ी की उल्लेखनीय है कि बंगले के अंदर बने स्टाफ क्वार्टर को जर्जर होने पर तोड़ दिया गया है। वहीं CM निवास में दोनों मंजिलों की छत कमजोर है, इसमें लकड़ी को दीमक चट कर चुकी है और लोहे के गेट में लगी जाली जंग लगी है। उल्लेखनीय है कि बंगले के अंदर बने स्टाफ क्वार्टर को जर्जर होने पर तोड़ दिया गया है। वहीं CM निवास में दोनों मंजिलों की छत कमजोर है, इसमें लकड़ी को दीमक चट कर चुकी है, लोहे के गेट में जंग लगा है। इधर मुख्यमंत्री निवास में ऑफिस के लिए 2 मंजिला NXC बिल्डिंग बनाना प्रस्तावित है। इसकी पहली पहल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय से ही शुरू हो गई थी। PWD के अफसरों ने नवम्बर 2017 में DPR रिपोर्ट बनाकर सरकार को दे दी थी। उस समय इस पर अनुमानित खर्च 9 करोड़ बताया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री को NXI बिल्डिंग के डिजाइन पसंद नहीं आई और इस बीच विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।